आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर है एसेज का, जो कंटेंट सीरीज है। और आज हम उस टॉपिक की बात करेंगे जिस पर हर बंदा हर रोज हर लम्हा कंसर्न रहता है, बात करना चाहता है, कंफ्यूजन है, क्योस है, एंड दैट इज कोविड क्राइसिस, कोविड-19। 19 का वर्ड इसलिए बोला जाता है कि ये 2019 में स्टार्ट हुआ था और ये वायरस ही की एक किस्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउ डिड इट हैपन, देन उस पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि ये नेचुरल था या मैनमेड था। चलिए वो बहस तो ज्यादा लंबी नहीं होती, बंदा दोनों अजम्पशंस पे बात कर लेता है। रियल इश्यू ये है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं इसके नतीजे में। और ये जब भी आप बात करें, मैंने आपको पेट वर्ड्स बताए हुए हैं कि जब भी किसी चीज के असरात कॉन्सिक्वेंसेस की आपने बात करनी है, तो कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली एक सोसाइटी को, नेशन को, कंट्री को तीन होते हैं। सबसे बड़ा इशू अब आपने, हमने तय कर लिया है कि हमारी डिस्कशन से वाजह है कि वो तो इकोनॉमिक होता है। इकोनॉमिक के बाद फिर पॉलिटिकल कभी पहले आ जाता है, कभी सोशल पहले आ जाता है। सो इसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या हुए, इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या हुए, और सोशल के अंदर एक और सब टाइप बन जाती है जो कि असर सबसे ज्यादा हुआ है, यानी वो सोशल की एक ऑफ शूट है, एंड दैट इज साइकोलॉजिकल। कि इस पेंडेमिक ने, इस चीज ने सबसे ज्यादा जो हिट किया, इकोनॉमी वाइज तो किया, चले लोग वाइस प्रॉब्लम आ रहा है, कितने लोगों को वाइस प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी तरफ से तो सब ठीक जा रहा है। हाफिज साहब 1 मिनट, हाफिज साहब आप चेक कीजिएगा, मैंने वॉल्यूम फुल कर दिया। तो एक इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आया है, लाइक आपने अगर स्टडी नहीं भी किया तो आपके जहन में होना चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में, लाइक यूएसए में, लाइक यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में, पर्टिकुलरली यूएसए जो इसका सबसे ज्यादा शिकार हुआ, वहां पर लोगों ने चूंकि उसका इम्पैक्ट इस तरह से ज्यादा आया कि उनके यहाँ कुछ फीचर्स हैं सोसाइटी के, कि उनके यहाँ फैमिली सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता। वहां पे फैमिली से मुराद ज्यादा से ज्यादा मियाँ बीवी होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर है, उनका एवरेज जो फैमिली साइज है वो 2 लोगों का है। तो हर चीज के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ कॉस्ट होती हैं। वो चूंकि लोग लिबरलिस्ट हैं और इंडिविजुअल लिबर्टी उनका एक फेथ है, तो इस क्राइसिस में इस चीज ने उन्हें फिर बहुत ज्यादा हिट किया। तो सुसाइड से ज्यादा जो वहां पे अमवात हुई वो इस तरह से हुई कि वो लोग चूंकि ड्रिंक बहुत करते हैं और ये उनके लिए एक ऐसी है, जैसे मैं आप लोग जो हैं वो कोक और पेप्सी पी लेते हैं या दूध पत्ती पी लेते हैं, तो वहां पर ओवर ड्रिंक यानी ड्रंक होने से लोगों की अमवात बहुत ज्यादा हुई। यानी जो भी कोई वेव आती है, जाहिर है ये एक आफत थी, इट वॉज अ हर्डल, इट वॉज अ क्राइसिस, तो उसमें हमारे यहाँ के जो सेटअप हैं वो फैमिली सिस्टम स्ट्रांग होने से काफी हद तक लोग बच गए। कि घर के अंदर देखिए कुछ चीजें होती हैं, मिसाल के अंदर हमारे यहाँ एवरेज हर फैमिली के अंदर एक बड़ा जो बुजुर्ग है, नानी अम्मा की शक्ल में, दादी अम्मा की शक्ल में वो मौजूद है, तो वो एक कैथारसिस का जो एलिमेंट होता है ना, तो वो चीज हो जाती थी। फिर यहाँ पर हमारी जो फैमिलीज हैं वो हॉरिजॉन्टली बड़ी फैली हुई होती हैं, चचा का घर है, ताया का घर है, फूफी का घर है, तो आपस में जो लोगों का अपरंडी लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है हाल चाल पूछने से, इन चीजों से। वो बहुत इस मामले में बेहतरी रही कि लोग, आपने देखा होगा एक जनरल कल्चर होता है, कौम का एक मजाज होता है, तो आपने देखा कि हमारी जो कौम है वो इसके ऊपर भी जिसे जुगत का आप कहते हैं,
वो कोई ना कोई लगाने से, फनी पोस्ट बनाने से तो लोग जो हैं वो करते रहे हैं। तो आम बंदे को नहीं पता होता, लेकिन एकेडमिक का बंदा स्टडी कर रहा होता है कि यार ये देखो ये कौम इस हालत के अंदर भी जो है वो फनी है। वैसे भी आपको पता होगा कि खुश रहने वाली कौमों का जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान एक टॉप के कंट्रीज में रहता है। तो आपके यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ने आपको बहुत हद तक बचा के रखा। फिर चूंकि डेथ का एक फियर का एलिमेंट यहां पर भी मौजूद था, तो ये ह्यूमन नेचर है कहते हैं, और ये कहते नहीं है, ये प्रूवन बात है कि इतनी दुआएं, इतनी सदाएं, इतनी इबादतें ना मस्जिद के दरों दीवार सुनते हैं, ना मंदिर के, ना गुरुद्वारे के, ना चर्च के, जितने हॉस्पिटल के दरों दीवार आपकी दुआएं और इबादत सुनते हैं। तो फिर लोगों के अंदर एक ना वो जो फियर गॉड, फियर ऑफ गॉड जो है, गॉड फियरिंग जिसे कहा जाता है, फियर ऑफ गॉड तो और मीनिंग देता है, तो जिसे आप कहते हैं फियर गॉड के, खुदा से डरो, तो उस एलिमेंट ने लोगों के अंदर कुछ थोड़ा सा हमदर्दी का एलिमेंट, जिसे हम वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में अखुवत फ्रेटर्निटी पढ़ के आए हैं, तो वो एलिमेंट भी थोड़ा सा बढ़ गया था। लोग थोड़े से शेक हो गए थे कि यार कोई पता नहीं है, तो चलो हाल चाल पूछो, जो किसी का मदद कर सकते हो वो करनी चाहिए। उन सोसाइटीज में ये एलिमेंट नहीं पाया जाता है। वहां पर पैनिक के दौरान फिर जो है गवर्नमेंट हला उनकी सपोर्ट कर रही थी, को $1,000 उनको महाना हर बंदे को दिया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद इतनी ज्यादा डेथ्स जो है वो हो गई। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो कॉन्स्पिरेशनल थ्योरी है कि ये फैलाया गया जिस तरह के चाइनीज ने, और चाइनीज के मतलब ये बात याद रखें कि उनके यहाँ जो लोग स्टेटमेंट्स देते हैं, उनके जो मेजर माउथपीस होते हैं लोग, वो बिला वजह का ना एलिगेशन कभी किसी पर लगाते नहीं है, वो बड़ी कंक्रीट सॉलिड बात हो जाए तो फिर करते हैं। अब उन्होंने एक चीज जिसको ब्लेम किया अमेरिकन को कि अमेरिकन सोल्जर्स वहां पर गए थे और उन्होंने वहां पर इसको छोड़ा। अब इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स आपने देने हैं जो ये साबित करते हैं या जो इस फेवर में जाते हैं कि ये मैन मेड था, हाउ कम? अब आप देखिए कि 8 माह हो गए, अब जाके रशिया ने एक क्लेम किया है, तो पूरी दुनिया की मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च सेंटर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी, सारे साइंटिस्ट सर जोड़ के बैठे, तो इसका कोई तोड़ नहीं निकाल सका था। तो ऑलमोस्ट इसको 10 माह हो गए, अगर हम चाइना के भी 2 माह डाल लेते हैं 2019 के। ये आर्ग्यूमेंट जिसे आप कहते हैं कॉमन सेंस आर्ग्यूमेंट, जिस पर आपके रिसर्चर लिखते हैं या आपके कमेंटेटर जो होते हैं वो जब कमेंट करते हैं तो वो इन्हीं चीजों से अखज करते हैं, इस चीज ने, आर्ग्यूमेंट ने इस बात को सपोर्ट किया है कि ये मैन मेड था। मिसाल के तौर पे एक वबा, एक बीमारी अगर वैसे फैलती है तो उसको कंट्रोल करने के, अच्छा फिर प्लस देखिए कोई मेडिसिन पर लोगों का कंसेंसस ना हो सका कि चले जी पूरे का पूरा ट्रीटमेंट ना सही, क्या कौन सी दवाई है, वो कोई पेन किलर है, बुखार की है, खांसी की है, कौन सी है जो सब्सिडाइज कर सकती है, जो इसको ल्यूक वार्म कर सकती है, इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकती है, तो वो भी हर 2 माह के बाद वो पता चलता रहा जी नहीं जी ये भी अफवाह थी, ये भी बात साबित नहीं हो सकी, ये भी बात साबित नहीं हो सकी। तो इसको पर जो टेक्निकल बात एक्सपर्ट्स करते हैं वो ये कहते हैं कि एक चीज है जो कुदरती तौर पर फैलती है, एक चीज है जिसको कोई एक बंदा जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, कोई जीन्स बदल के बायो इंजीनियरिंग कह लें, वो करके जब छोड़ता है तो वो उसका कोड अब उसी के पास है कि उसने उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रखी हैं, तो उससे फिर इसको कभी तक काबू पाने में क्लियर कट कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन सामने नहीं आई। ये सबसे बड़ा कॉमन सेंस आर्ग्यूमेंट है जो इस फेवर में जाता है कि इट वाज और इट इज मैनमेड। अब क्वेश्चन अगला ये किया जाता है कि इफ इट वाज मैनमेड व्हाट वाज द पर्पस,
व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका ने किया तो अमेरिका ही सबसे ज्यादा उसका नुकसान क्यों हुआ। अब कुछ तारीख जो है ना, कुछ जो मिलती है, मिसाल के तौर पे जब अमेरिकन जहां जहां जिन इलाकों में जाते रहे और मकामी आबादी को उन्होंने एवेपोरेट करना होता था, तो वो कुछ इस किस्म की माजी में मिसालें मिलती हैं कि उन्होंने मकामी आबादी को कुछ वबाओं का शिकार जो है वो उन्होंने किया। शुरू के अंदर सबसे पहले एक हाइपोथेसिस सामने आया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है और वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये काम किया गया है। खास तौर पे जब IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह के अदारों ने ये कहा कि अब इसका बड़ा मरकज पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया हो सकते हैं, तो उस वक्त ये बात अपील करना शुरू कर गई। लेकिन ये आर्गुमेंट भी इतना स्ट्रेंथ वाला नहीं बनता कि अगर पॉपुलेशन ही को कंट्रोल करना हो, खुदा ना खास्ता इसी तरह से लोगों को मार के, तो उसका कोई सेफ मेथड हो सकता है लोगों को के अंदर इनफर्टाइल करने की को मेडिसिन लाई जा सकती थी, कोई और चीज लाई जा सकती थी, इतना बड़ा क्योस पैदा करने की जरूरत नहीं थी। देन व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट आर्गुमेंट जो वैल्यूएबल है, यानी यू कैन बाय इट, यू कैन बाय दिस आर्गुमेंट। अच्छा, जब ये बात की जाती है ना कि यू नो बडी इज रेडी टू बाय दिस आइडिया, तो उसका मतलब ये नहीं और लेना चाहिए कि खरीदना, उसका मतलब होता है उस चीज से अग्री करना, उस चीज पर आपका भी मुत्तफिक होना। अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया के कुछ लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन ये कर दी कि जी उन्होंने ये नजरिया दिया और हमने उसे खरीदना शुरू कर दिया। हाँ, उसको एडमिट करना, उसे एग्री करना, वो था कि चाइना जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था तो पूरा इम्कान मौजूद था कि वो 2023 में, हद 2024 का आ रहा था कि वो चाइना को क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, सिर्फ क्रॉस करना ये तो एक मैजिकल बात होती है कि जी वो नंबर वन हो गया, तो नंबर टू होते हुए भी बंदा उतना ही टफ टाइम दे रहा होता है जिस तरह वो दे रहे हैं। उसके साथ जो आर्ग्यूमेंट अटैच था वो ये था कि ये जो वन बेल्ट वन रोड है, ये मुख्तलिफ सी पैक का रूट है, ये है, तो अगर दुनिया का निजाम कुछ अरसे के लिए रुक जाएगा तो चाइना की जो एक्सपेंशन है उसमें एक हर्डल आ जाएगी और सारा सिस्टम रुक जाएगा, और रुका भी। अगर यही बात है या पेंडेमिक फैलाया गया कि देखते हैं, या फैल गया कह लें, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो वो बात वाजे होगी है कि चाइनीज हैव फुली रिकवर्ड। उन्होंने फिर ये जो बायो वार है, बायो मीन बायोलॉजी वाला वर्ड है कि जिंदगी से मुतालिक, ये जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, जिस तरह से मैंने कहा कि आपने कोई इंजीनियरिंग की और इसको छोड़ा, तो वो प्लस साइड पे चले गए। वो प्लस साइड पे कैसे गए हैं, कुछ चीजें जो हैरान करती हैं, और आपने इतना नहीं होना, आपको पास अभी एग्जाम में टाइम है, तो मैं तो आपको बेस दे रहा हूं, इसके बाद आप इस चीज में जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं, प्लस है माइनस है, आप खुद स्टडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे चाइनीज ने अब ये क्लेम कर दिया है कि पहली जो सेमाई थी, दूसरी सेमाई के अंदर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो फिर से प्लस के अंदर आ गया है और हमारी इकोनॉमी अब दोबारा ग्रो कर रही है। अच्छा, अब चूंकि हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, तो यह भी तो हो सकता है कि चाइनीज ने ही बनाया हो। अगर चाइनीज ने बनाया या सिर्फ नेचुरल था, तो इसमें एक मुल्क को अब तक शिकस्त हुई है और हो रही है, उसका नाम है USA, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा USA के बने हैं। और ये बात बड़ी अजीब है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, ताकत मतलब वो मेडिकल के शोबे में भी ताकत है, टेक्नोलॉजी के शोबे में भी ताकत है, उनका 1.5 लाख बंदा किस तरह से मर गया। अच्छा, अब यहां पर मैं बड़ी कुछ सेंसिटिव बातें आपसे करूंगा, उसको आपको फॉलो करना होगा,
चूंकि सियासत बड़ा भयानक खेल होता है, एक जो एलिमेंट है ना इसमें वो ये बयान किया जाता है कि ट्रंप का जो इलेक्शन है, आज से को 2 माह पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन अब आपने इसको बड़ा क्लोजली फॉलो करना है, आपको इंटरेस्ट भी रहेगा, आपको मजा भी आएगा और आप महसूस करेंगे कि आप भी एक्सपर्ट हो चुके हैं और आपको कुछ बातों का पता है और अब आप देखेंगे ये किस तरफ जाता है। मैंने तकरीबन 3 माह पहले ये वीडियो बनाई थी कि अमेरिकन इलेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। कैसे हो सकता है? अमेरिकन इलेक्शन वो जो मैंने पहले सो कहा अब हो क्या रहा है कि ट्रंप ने मुतालबा कर दिया है या तजवीज दे दी है कि जी हाँ अमेरिकन इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए अनटिल अनलेस हालात दोबारा ठीक ना हो जाए। ये पहली बात है। अच्छा, मौजूदा हालात में उनका इलेक्शन डिस्टर्ब किस तरह से हुआ है कि वो रैलीज नहीं कर पा रहे उस तरह से? जाहिर है लोग फियरफुल हैं, तो लेकिन उनका इलेक्शन, मैं थोड़ा एक मजहबी वर्ड बोलने लगा हूं कि आप लोग ना इसको फॉलो कीजिएगा, जिस तरह हमारा हज होता है ना, तो वो आप लोग इसको फॉलो करेंगे क्योंकि वो उनका ईमान है एक तरह का, जमहूरियत और उनका इलेक्शन, उनकी कंपेन, तो उनका ये एक ना आप कह लें कि इट्स अ रिलीजियस, यानी इट्स देयर फेथ। अब वो फेथ उनकी तारीख में पहली दफा डिस्टर्ब होने जा रहा है, यानी अगर अमेरिकन इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं तो ये उनकी तारीख का पहला मौका होगा, वरना आलमी जंग भी हो रही है, इलेक्शन होगा। सो ट्रंप का मुतालबा करना, अच्छा अगर ट्रंप का मुतालबा नहीं माना जाता जिसका कि उम्कान है, फिर होगी वोटिंग मशीन के जरिए भी थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि बंदा आता है वो अपना फिंगरप्रिंट लगाता है तो वो एग्जैक्ट, फिर वो उसका क्राइसिस होगा, वो क्या करेंगे, उसको किस तरह साफ करेंगे। दूसरा हो सकता है बाय मेल, कि हर बंदा अपना वोट डाले और उसको जिस तरह TCS ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड एक आ जाएगा पोस्ट के जरिए, तो बंदा वो, अब उसके अंदर फिर इलेक्शन हैक होने का चांस मौजूद है। एक दफा इन्होंने मशीन का तजर्बा पहले भी किया था, अलगोर था, बुश के मुकाबले में था और उसने फिर इलेक्शन का रिजल्ट माना था, लेकिन उसने कहा था कि मैंने अमेरिकन जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है वगैरह, मुझे डाउट है। अच्छा, अब अगली बात है कि समझ लें कि इलेक्शन हो रहा है, बाय पोस्ट हो रहा है, तो फिर ये जो क्राइसिस है ये मिक्स्ड ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर ट्रंप को बड़े पैकेजेस का ऐलान करता है, टैक्स में छूट देता है, लोगों की फंडिंग, उसने कौन सा अपने पल्ले से बढ़ानी है, और सियासतदान पूरी दुनिया के एक जैसे ही होते हैं अपनी जीत के मामले में, अगर वो बढ़ा देता है फंडिंग, अच्छा टाइम उसके पास जेन में रखें कि नवंबर का ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो फर्स्ट और सेकेंड ट्यूजडे होता है उनका, वो फिक्स है, तो वो तो अब ज्यादा दूर नहीं है, आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 माह है। अगर वो को बड़े पैकेजेस दे जाता है, लोगों को खुश कर जाता है, फैसिलिटेट कर जाता है, तो उसके इलेक्शन जीतने का चांस बढ़ जाएगा, जिस तरह के वो ट्रिलियंस डॉलर में फंडिंग जो है वो दे रहा है। नंबर टू, उसका इलेक्शन श्योर शॉट डूब जाएगा, जो पब्लिक ओपिनियन से अभी तक सामने आ रहा है कि जी वो इस क्राइसिस को टैकल नहीं कर सका। वो टैकल क्यों नहीं कर सका, ये आर्ग्यूमेंट आप किस तरह से दे सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा लोग ही अमेरिका में मरे, तो कैसे हो गया जी? क्या उसकी मेडिकल केयर में कुछ कमी थी, या बर वक्त वो मेजर्स नहीं ले सका? चाहिए तो ये था ना कि जब चाइना में हो रहा है तो दूसरे कंट्रीज अलर्ट हो जाते, जो कि नहीं हुआ। अच्छा, एक और बात जो इसको प्रूव करती है ना कि ये जेनेटिक्स था, वो ये भी साबित करती है कि ये पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया। तो वो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि टाइम के साथ जब इस पर रिसर्च होगी, एक टाइम आएगा
तो वो ये कहते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट भी तकरीबन रुक गई थी, आना जाना भी बंद हो गया, तो इसका मतलब है, उन्होंने कहा जी ये वायरल था, ये हवा के जरिए ना जो है वो फैलाए, जिस तरह कोई मुल्क ही शायद कोई भी नहीं बचा, अव्वल तो कोई छोटा मोटा मुल्क है जो कोई जजीरे पे होगा तो शायद बच गया। वापस आए अमेरिकन इलेक्शन पे, और ये मैं आपको बात बताऊं, ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हफ्ते के बाद सारा ध्यान लोग कोविड जो जब भूलेंगे, पता कब भूलेंगे, जब अमेरिकन इलेक्शन करीब होगा और ये तय हो रहा होगा कि क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या फिफ्थ जनरेशन वॉर के तहत रशियन, चाइनीज या दोनों दोबारा उसी तरीके से अमेरिकन इलेक्शन को हाईजैक करने की तरफ जाते हैं, मैन्यूवरिंग कह लें, करने का कोई एफर्ट होगी? फिर ये तय होगा आईक्यू से, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, फिर ये सारी जंग जो है ये सोशल मीडिया पे आ जाएगी, वो व्हाट्सएप है, वो फेसबुक है, वो कोई भी और चीज है, उसमें एक आर्ग्यूमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो आर्ग्यूमेंट क्या है कि हर बंदा तो फारिग बैठा है, अब हमारे यहां तो कुछ भी यूसेज नहीं है, जो यूसेज अमेरिका का होगा, ना तो वहां इंटरनेट का इस तरह इशू है, ना उनका लिंक डाउन होता है, ना सर्वर डाउन होता है, ऊपर से वो कौम फारिग है, मतलब अभी तक वहां पे तो मामूल आते जिंदगी इस तरह से बहाल नहीं हुए। सो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि सोशल मीडिया के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके जरिए लोगों के ब्रेन को, क्योंकि क्या बात है कि ऑल ऑफ सडन एक अनाउंसमेंट हो जाए कि जी सब कुछ ओके हो गया, खोल दे। अगर ऐसा होता है तो कहते हैं कि फिर अमेरिकन्स जो हैं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो अंडर अटैक आएगी, अंडर क्रिटिसिज्म आएगी। क्यों आएगी? इसलिए आएगी कि उन्होंने क्या कहना है कि जी इन्होंने रोक के रखा हुआ था और इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन करीब आए, तो इन्होंने अब ऑल ऑफ सडन जो है वो इसको ठीक कर दिया है। सो ट्रंप की हार और जीत फिलहाल अवामी सर्वे सारे के सारे उसके खिलाफ जा रहे हैं, क्लियर कट, मतलब हम ये बात कह सकते हैं अपने तौर पे तो नहीं, हमने इसी तरह कहना है कि ब्लेम को शिफ्ट करते हुए जनरल ओपिनियन अमेरिकन का और वर्ल्ड का यही है कि सबसे डफर और एक वियर्ड किस्म का जो आदमी प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंचा है वो ट्रंप है। अच्छा, अगर वो वियर्ड है, इलेक्शन उसके रिजल्ट जो एक्शंस हैं वो प्रो अमेरिकन नहीं है, तो जो प्रो अमेरिकन नहीं है वो लाजमी बात है जो एंटी अमेरिकन लॉबीज हैं दुनिया में वो उनके प्रो तो होगा, तो वो तो कहते हैं जी हमें तो चाहिए कि जी इसी तरह का कोई डफर आदमी रहे, वो मजीद हमाकते करे, अमेरिका का नुकसान हो, अमेरिका बैकफुट पर जाए। अमेरिका की सुप्रीमेसी न्यूट्रल आने वाले 3 से 4 हफ्तों के बाद सारे का सारा, यानी दुनिया में एक ही इलेक्शन ऐसा होता है जो कहते हैं कि दुनिया की पूरी सियासत पर असर अंदाज होता है, और वो होता है अमेरिकन। अच्छा, वो जो बाइडन है, जो बाइडन है उसके मुखालिफ है, अब उस पर साउथ एशिया की बड़ी नजर है। अगर आज भी आप अखबार पढ़ते हो तो उसने जो कश्मीर में हो रहा है उसको बड़ा सीवियरली क्रिटिसाइज किया है, यानी एक्यूटली क्रिटिकली उसने लिया है कि जी नहीं, ये जो इंडिया कर रहा है ये अच्छी चीज नहीं है ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। यानी आप कह सकते हैं कि वो अगरचे अमेरिका में के इलेक्शन के मतलब ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के बदलने से उनकी पॉलिसीज में यू टर्न नहीं आता, जिस तरह से हमारे यहाँ एक टर्न मियां साहब ने लिया था कि वो बिल्कुल ही तकरीबन वो प्रो इंडिया हो गए थे और उन्होंने मोदी को बुलाया, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया और स्टफ लाइक दिस। सो अमेरिकन इलेक्शन का पूरा एक सेगमेंट इस कोविड क्राइसिस के नतीजे में तय करेगा, और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा अपनी जाती राय में कि मुझे फिर उसमें कोई अपसेट होता नजर आ रहा है कि कोई ना कोई चांस मौजूद है
अवामी राय पर तो वो नहीं जीत सकता क्योंकि हालात इतने दगरगु हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैंने कहा अगर वो अच्छे पैकेज दे देता है और इस मुसीबत को वो एक रहमत में कन्वर्ट कर देता है तो वो एक अलहदा बात है। अब वापस आइए आप के और क्या हुआ है, दीगर अमूर क्या हुए हैं, दुनिया में जंगें रुक गई हैं जी डियर एस्पिरेंट्स, आप यमन का देख लें, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर देख लें, चाइना इंडिया वाली गेम जो है वो एक डिफरेंट थी कि दुनिया में जहां पर कुछ जंगो जदल था ना, वारदातें भी रुक गई चूंकि हर चीज तो रुक गई। और आपको मैंने कहा सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक और बड़ा अजीब इम्पैक्ट आया है और वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, दुनिया की हवा साफ हो गई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दुनिया के वो पूरी दुनिया में बेहतर हो गए, इवन पाकिस्तान में बेहतर हो गया है। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा नजर आ रहा है वो ये उम्मीद की जा रही है कि इस साल स्मॉग जो है जो कि मिड अक्टूबर या लास्ट ऑफ अक्टूबर स्टार्ट होता है, कहा यह जाता है कि उसके ना आने या शिद्दत में कमी का बड़ा वाजे चांस, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 महीने पाकिस्तान में हो गए, अब यकदम से सारा कुछ खुले तो उसके नतीजे में कुछ आ जाए तो अलहदा बात है। तो स्मॉग जो कि साउथ एशिया के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है, इवन ईरान के लिए, तो उसमें इस साल का चांस जो है वो मौजूद है। अगली बात जो पॉजिटिव रही वो ये था कि ओजोन की लेयर है एक, आपको याद होगा एनवायरनमेंट वाला टॉपिक, नहीं तो आप देख लीजिएगा कि वो जो एक लेयर थी वो कहते हैं कि मैक्सिमम रिपेयर हो गई, क्योंकि नीचे से एक तो कुछ लॉज बदले हुए हैं, गैसेस कम जाती थी, अब वो भी नहीं गई चूंकि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो कहा जाता है कि 75% मिनिमम जो है ह्यूमन एक्टिविटी वो कंट्रोल हो गई थी, बिल्कुल वो फॉरेस्ट एज वाले हालात जो है वो हो गए थे। सो ये इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट थे कि जिसमें बेहतरी आई है, पानी को फिल्टर होने में मदद मिली है, पानी की जो कैपेसिटी है जमीन की जिसे आप कहते हैं रिचार्ज होना वो बड़ा है, क्योंकि जब आपकी गाड़ियां ही उस तरह से नहीं धुली, जब आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उस तरह से नहीं हुई, जब आपके बड़े बड़े शहर जो हैं वो खाली हो गए, तो वाटर रिचार्ज होने में भी दुनिया के बारिशें होती रही हैं तो वाटर रिचार्ज हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस कोविड के क्राइसिस में मैं आपसे कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आपको दे रहा हूं जो जनरल पब्लिक में थोड़ा सीन से हटे होते हैं। तो ये इन्वायरमेंट के हवाले से पानी का रिचार्ज होना, एयर क्वालिटी का इम्प्रूव होना, ओजोन लेयर का रिपेयर होना और स्मॉग के में इस साल बेहतरी का जो चांस है, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट थे। अब आइए कि ये जो फियर था पेंडेमिक का, इसने क्या किया, इसने हलाया तो किस तरह हलाया, तो हम इसे अपनी थेरीज में किस कैटेगरी में डालते हैं। कीप इन माइंड कि ये सारा कुछ जो भी चल रहा था ये फिफ्थ जनरेशन वार के जुमरे में ही आता है, इसको सिक्स जनरेशन वार ना कहें, कुछ लोग ऐसे कहते हैं ये सिडनी नहीं, इट्स पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन वार। फिफ्थ जनरेशन वार में यही है जिसे आप बायो इंजीनियरिंग कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, कि आप कोई काम ऐसा किसी तरीके से करें कि मतलब अगर एटम बम मारा जा सकता है तो पेंडेमिक क्यों नहीं फैलाया जा सकता। अब इसका जो फियर का एलिमेंट है, जाहिर है लोग टेररिज तो बहुत रहे, बायोटेररिज्म, राइट, आप इसे बायोटेररिज्म कह सकते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से आया, तो टेररिज्म की जो थ्योरी है कि किल वन फ्राइटन वन मिलियन, तो यहां पे ये तो था जी किल वन फ्राइटन बिलियंस, कि वो खौफ ही उसका जो है वो खौफ के एलिमेंट ने दुनिया को एक हिजान में जो है वो मुबतला किया, देर इज नो सेकंड ओपिनियन।
अब वो जो खौफ फैला और उससे लोग करटेल भी हुए, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी, सारा कुछ रुका, तो सवाल ये है कि लूजर कौन रहा और विनर कौन रहा। तो वो बात मैं आपको स्टार्ट में कह चुका हूं कि जी चाइना कम से कम लूजर तो नहीं रहा, वो दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो गया है। अब रीकैलकुलेट की जा रही है चीजें कि क्या अब चाइना का जो नंबर वन होना था वो डिले होगा कि अपने टाइम पर ही होगा, और इस कोविड क्राइसिस के दौरान अमेरिका और जो चाइना की टसल है जिसे हम न्यू कोल्ड वॉर भी कहते हैं, हमने पढ़ा था आपको याद होगा, रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर भी कहते हैं, तो कहते हैं वो कोल्ड वॉर की बजाय अब वो कोविड वॉर है। ये कोविड क्राइसिस आप इसको कहते हैं, और एक वर्ड कोविड होता है जो छुपी छुपाई यानी खुफिया सी जंग लड़ी जाती है। वो कहती हैं जी उस जंग में कोई कमी नहीं आई। उस जंग में किस तरह कमी नहीं आई कि चाइना ने इंडिया के स्क्रू टाइट करना कम नहीं किया। आपको याद होगा नेपाल ने नया नक्शा जारी किया, काला पानी, लिपु लेक, लिपु दुरा, तकरीबन 396 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो नेपाल ने क्लेम किया है, किससे? इंडिया से, इट्स माइन। तो इंडिया ने तो नहीं किया ना, वो किया तो फिर चाइना ने। तो अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो वो चाइना की प्रॉक्सी कौन लड़ रहा है? नेपाल। उनके बॉर्डर पर क्लैशेस भी हुए, इंडिया के लोग भी मारे गए, जख्मी भी हुए। भूटान ने पानी रोक लिया इंडिया का। बांग्लादेश स्टेटमेंट्स देना शुरू कर रहा है किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ, हालांकि टोटल पपेट गवर्नमेंट है वो हसीना वाजिद, किसकी? इंडिया की। वो तो 71 की वॉर से ले लें आज तक, लेकिन उनकी एजेंसियों ने, उसके अदारों ने कहा जी कि चाइना ने ऑफर ही आपको इतनी बड़ी कर दी। चाइना ने क्या ऑफर की हुई है बंगालियों को? मैंने आपको बताया था कि जी आप जितना मर्जी सामान भेजें, अपनी चीजें एक्सपोर्ट करें, हम आपसे ड्यूटी नहीं लेंगे। इंडियंस ने थोड़ी सी एफर्ट की, उसको खराती कहा, ये कहा, और कहा जी आपकी मेहरबानी, ये अल्फाज आप अपने तक रखें। सो जो कोल्ड वॉर का मोमेंटम है या वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका है, जिसको आप सुप्रीमेसी का झगड़ा कहते हैं, जिसको आप ये कहते हैं कि दुनिया दोबारा यूनिपोलर से बाइपोलर होने की जा रही है, उस कश्मकश में कोई कमी नहीं आई। दिस इज वेरी क्लियर। चाइनीज लद्दाख में आ गए, उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को मारा, उठा के भी ले गए, 40 किलोमीटर तक अंदर आए थे वो, और ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर का वो कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा उन्होंने रिट्रीट किया, बाकी वो वहीं बैठे हैं। उन्होंने रोड भी कैप्चर की हुई है जो इंडियंस ने बनाई थी, जो ऊपर ये लद्दाख की तरफ और सियाचिन की तरफ जाती है। अब पाकिस्तान से क्लेम करवाना मैप का, तो ये लोग तो बात को समझ ही नहीं करते। मैंने शायद वीडियो आप लोगों से भी शेयर किया कि ये तो इतनी बड़ी साइंस ही नहीं है। पाकिस्तान जूनागढ़ मनावदर पहले भी शो करता था, कश्मीर पहले भी अपने साथ शो करता था। अब पाकिस्तान ने नया क्या कर दिया कि नहीं जी ये सर क्रीक भी हमारा है, और कश्मीर के का जो एरिया है, पाकिस्तान शुरू से उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी लिखता था, लेकिन पहली दफा इन्होंने क्या किया कि सिर्फ डिस्प्यूटेड ही नहीं है जी, ये डिस्प्यूट चला आ रहा है, पेंडिंग है यूनाइटेड नेशन की जो दो रेजोल्यूशन है उसके हवाले से। So, पाकिस्तान में नक्शा पेश करने पर जो मजाक उड़ाया गया, बल तो वो नजायज था, वो उसका अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझे कि भाई इट्स नॉट पाकिस्तान, इट्स चाइना जो आपको कह रहा है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और चाइनीज ने बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी वो जो 370, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, अब इंडिया के अगर सिक्यूरिटी टाइट हो रहे हैं
और इंडिया बैकफुट पे जा रहा है, इंडिया की मुश्किलात बढ़ रही हैं, श्रीलंकन्स पहले उन पर ट्रस्ट नहीं करते, तो आगे एक मुल्क बचा है मालदीव, वो इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन वो भी कोई इंडियन से खुश तो नहीं रहते। तो अगर इंडिया पीछे हट रहा है तो इंडिया कौन क्या कर रहा है, इंडिया प्रॉक्सी लड़ रहा है अमेरिका की चाइना के खिलाफ। दिस इज वेरी क्लियर। अगरचे वो खपत में मुबतला है, उनका एक अपना हैजान है पाकिस्तान, लेकिन वो अगर चाइनीज से रिलेशंस कल्टीवेट करें, वन बेल्ट वन रोड सीपैक का वो हिस्सा बने, तो वो अमेरिका के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा एंजॉय करेंगे चाइना से, और चाइनीज भी एंजॉय करेंगे अगर उनकी ट्रेड बढ़ती है। लेकिन इंडियंस प्रॉक्सी लड़ रहे हैं और वो प्रॉक्सी लूज कर रहे हैं। रीजन वही कि जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वो हजारों मील दूर है, जिससे वो लड़ रहे हैं उसके साथ कोई तकरीबन 3700 किलोमीटर का बॉर्डर है, और सारे का सारा ही डिस्प्यूटेड है, 90% डिस्प्यूटेड है, कश्मीर वाला, उत्तराखंड वाला, नेपाल ने क्लेम कर दिया, अरुणाचल प्रदेश वाला, भूटान में ढोकलम वाला। सो वॉर नहीं रुकी। जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं, आपको समझाना चाह रहा हूं कि दुनिया की मोइशत रुक गई, नफ्सियात रुक गई, समाज रुक गया, सियासी सरगर्मियां रुक गई, लेकिन जंग नहीं रुकी। कौन सी जंग? चाइना अमेरिका की। किस खित्ते में पीक पे रही? इंडियन बॉर्डर्स पे। फिर इसी तरह आप देखिए, ताइवान एक मुल्क है छोटा सा, जो चाइनीज कहते हैं कि हमारा हिस्सा है, वहां पर भी इलेक्शन हुआ, वही सदर दोबारा इलेक्ट हुई, उसकी ओथ टेकिंग हुई, उस ओथ टेकिंग में इंडियंस ने पहली दफा अपने 2 MLA भेजे, MLA मतलब जिस तरह आपका MLA होता है, जिससे चाइनीज और इरिटेट हुए कि यार ये तो इनको रिकग्नाइज करने वाली बात, यानी आपसे अगर कोई कभी क्वेश्चन पूछे ना, कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके पास यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप नहीं है, तो दुनिया का एक ही बड़ा वाजे मुल्क है और उसका नाम है ताइवान, और चाइनीज उनको वो नहीं लेने देते। अब हांगकांग का इशू है, हांगकांग के अंदर फड्डे हैं, अमेरिका ने उसके मुतल्लिक भी अपनी स्टेटमेंट्स कंट्रोवर्शियल, जो चीजें डिस्टर्ब करती हैं इनको वो जारी रखी है। फिर जो चाइनीज ने बड़ा शॉट खेला, उन्होंने ईरानियन से एग्रीमेंट कर लिया, $400 बिलियन 25 साल। उससे उन्होंने क्या किया कि मिडल ईस्ट के अंदर जो मोनोपोली थी अमेरिकन्स की, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये ब्लेसिंग होती है, एक ओवरऑल क्वेश्चन किया जाता है कि जी ये बताएं कि दुनिया बाइपोलर हो तो अच्छी होती है कि यूनिपोलर, तो बाइपोलर ही अच्छी होती है कि जब एक पावर अग्रेशन करती है तो चले उनके पास को मौका तो होता है कि किसी दूसरे के, वगरना तो इरानियंस का सांस बंद हो गया था। अब वो कोल्ड वार का अगला महवर दोबारा मिडल ईस्ट बन गया है। वो कैसे बना? वो इस तरह से बना है कि अब मुसलमान मुल्कों में एक हाड़ बिछाड़ शुरू हो गई है पॉजिटिव ही है, इनको पे करेगी, क्योंकि OIC नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया। मिसाल के तौर पे अगर ईरानियन अब चाइनीज लॉबी में आ गए हैं, जो कि आ गए हैं, अच्छा उन्होंने किक आउट कर दिया इंडियंस को भी, जिस तरह जिससे मैंने कहा कि इंडियंस अपनी प्रॉक्सी हार रहे, चूंकि इंडिया ने एक प्रॉक्सी ईरान की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लत करने की चाबहार की कोशिश की थी। अब अगली अलाइनमेंट जो नजर आ रही है मुस्लिम वर्ल्ड में, वो बड़ी मीनिंगफुल और क्लियर है, मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की। और आपको एक हॉनेस्ट बात बताऊं, मुसलमान दुनिया में मीनिंगफुल कंट्रीज भी यही है। सऊदीया, सवाए उसके साथ जो लोगों की अकीदत है और उनके पास जो तेल है, उसके अलावा वैसे उनकी कोई बात नहीं है, वो अमेरिका के रहमो करम पे ही है। और अगला मेरा आर्ग्यूमेंट ये याद रखिएगा, जो कोल्ड वार आपको मैंने पढ़ाई है या आपने पढ़ी होगी,
नहीं तो देख लीजिएगा, रूस और अमेरिका की थी, वो कोल्ड वार हुई थी यूरोप के लिए। अब चाइना और जो यूएसए की कोल्ड वार है, इसका बड़ा मरकज अब बन रहा है अगरा मिडल ईस्ट। उसमें सऊदी आएगा, कतर आएगा, कुवैत आएगा, इराक आएगा, इजिप्ट आएगा और ग्रेजुअली फिर लीबिया। लेकिन चूंकि चाइनीज का स्टाइल है कि ये इकोनॉमिक वॉर को फ्रंट पे रखते हैं, इकोनॉमिक एक्सपेंशन को कह लें, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को कह लें, तो जाहिर है जब आपका एनिमी, जो आपकी नजर में आपका एनिमी है, वो जब स्ट्रेंथ पकड़ता है तो आप उससे थ्रेट फील करते हैं, जिस तरह से इंडियंस फील करते हैं कि यार देखो ये करेंसी की गेम चली, ये चीज भी चली, लेकिन पाकिस्तानी जो है ये अभी तक किसी तरह भी चाइनीज ब्लॉक से पीछे नहीं हट रहे। एक चीज मैं आपको और प्रेडिक्ट कर दूं, मुझे नजर आ रहा है, जाहिर है अभी एग्जाम नहीं है, लेकिन वो अपने जेन में रखिएगा कि मुझे एक नई करेंसी बनती नजर आ रही है दुनिया में, जिसको ना चाइनीज मोस्ट प्रोबली लॉन्च करेंगे। और वो क्या करेंगे, वो डॉलर को रिप्लेस करेंगे। अच्छा, सवाल ये है कि क्या वो इस पोजीशन में है? आंसर इज यस। अब जितने मुल्कों से उसका एलायंस बनता जा रहा है, जितने मुल्कों में वन बेल्ट वन रोड और सी पैक, ये सेंट्रल एशिया, वो खुद इवन रशिया उनके साथ, अगर उन्होंने ये काम किया तो डॉलर के, अच्छा ये थोड़ा सा समझ ले आप, किसी भी मुल्क की जो करेंसी है ना, वो इसलिए भी बहुत स्टेबल रहती है कि उसमें लेन देन कितना हो रहा है। अब इस वक्त दुनिया में सारा लेन देन ही डॉलर में हो रहा है, यानी डॉलर हर वक्त बिक भी रहा होता है, खरीदा भी जा रहा होता है। मैंने किसी मुल्क जाना है, मैंने वीजा लगवाना है, कोई चीज मंगवानी है, ऑनलाइन मैंने शॉपिंग की है, तो मेरे सामने क्या चॉइस है, इतने डॉलर है जी वो दे दें। मिसाल के सऊदी रियाल इसलिए भी स्टेबल रहता है कि जो लाखों हाजी जाते हैं, जो लाखों हर साल लोग उमरा करने जाते हैं, वो जब जाते हैं तो क्या करते हैं, रियाल खरीदते हैं, जब वापस आ जाते हैं तो क्या करते हैं, रियाल बेच देते हैं। सो ये अगर रशियंस ने, चाइनीज ने, और अगर इनके साथ कुछ मुल्क लाइक मलेशिया अगर मिल गए और इन्होंने करेंसी नहीं जारी की, तो मेरी बात याद रखिएगा, उस दिन अमेरिकन सुप्रीमेसी टोटली चैलेंज हो जाएगी वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर, वर्ल्ड सिनारियो के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब हम किस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कोरोना में बाकी भले सब कुछ रुका है, अगर कोई नहीं रुका तो चाइना नहीं रुका। अमेरिकन आगे से जितना कितना काउंटर कर सकते हैं उन्होंने कोशिश की है, लेकिन फिलहाल अभी तक चाइना जो है वो विनर जा रहा है। अमेरिकन कल को हांगकांग में कोई और शोरिश बर्पा कर दे, साउथ चाइना सी है, लेकिन फिलहाल चाइना रुकता नजर नहीं आया है। सो क्रक्स जो है इस डिबेट का, इस डिस्कशन का, कि मेन मकसद दुनिया को एक ही था, कौन सी दुनिया, मगरब की दुनिया। मगरब में कौन डोमिनेट है जी, अमेरिका। अमेरिका का मेजर एलाई कौन है, यूके। और एक कंट्री को मत भूलिएगा जिसकी तकदीर का फैसला अमेरिका के राइज एंड फॉल के साथ बिल्कुल नथी है, दैट इज कॉल्ड इजराइल। ये बात याद रखिएगा, रशियंस दुनिया में अमेरिका के बाद अगर किसी के खिलाफ है ना, दैट इज इजराइल। क्योंकि रशिया के उस वक्त टूटने में जो एक कंट्रीब्यूशन था, जो असलहा खरीदना, फंडिंग रेज करना, उसमें इजराइल भी मतलब फ्रंट लाइन पे होता था। सो टू आईज, वैसे तो हमारी टू आईज ये होती है ना, जो अमेरिकन टू आईज हैं जो डेंजर में हो सकती हैं, एक इंडिया है, एक इजराइल है। फनी वर्ड बनता है टू आईज, इंडिया एंड इजराइल। इजराइल तो देखिए जी बड़े तगड़े इकोनॉमी, पूरी दुनिया में उनकी लॉबी, तो उनको तो शायद टाइम लगे अभी कि वो कब किस शिकंजे में आते हैं या नहीं आते, कुछ सॉफ्ट हो जाते हैं कुछ, लेकिन इंडिया उस रगड़े में आ चुका है। इंडिया का की शक्ल बिल्कुल वही है जो अफगान वार के दौरान पाकिस्तान की थी। हम भी प्रॉक्सी लड़ रहे थे, किसकी प्रॉक्सी थी, अमेरिका की।
किससे लड़ रहे थे? रशिया से। हमने बहुत पे किया, 30 लाख महाजरीन आए, अभी तक बैठे हुए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, एक्सट्रीमिज्म आया, एवरीथिंग। अच्छा, एक सवाल डेवलपमेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कोविड ही के दिनों में हो गई है, वो ये कि क्या ईरान चाइना एग्रीमेंट के बाद ईरान सऊदीया जो हीट है, जो एक कोल्ड वॉर चली आ रही है सिंस 1979, क्या उसमें भी कोई चेंज आती है कि नहीं आती? मैं यहां पे रुकता हूं, मेरी इस बात को नोट कीजिए। आपका सेक्ट क्या है भाई, उसे उसको जरा साइड पे रख के मेरी बातों को गौर पे कीजिएगा। सेक्टेरियन वॉर, सेक्टेरियन वायलेंस, सेक्टेरियन डिवाइड बिटवीन सऊदीया एंड ईरान सरफेस्ड, वेंट टू द पीक सिंस व्हेन? व्हेन रेवोल्यूशन ऑफ 79 took प्लेस इन ईरान, एंड देयर इज नो सेकेंड आर्ग्यूमेंट अबाउट दिस। क्यों? उससे पहले का जो ईरान था वो तो लिबरल किस्म का ईरान था। आप सोच ही नहीं सकते कि उस वक्त का ईरानियन कल्चर किस किस्म का था। ईरान के अंदर ड्रेसिंग किस किस्म की होती थी। सो जो आयतुल्ला खमीनी की शक्ल में इनकलाब आया ईरान का, वो शिया ब्रांड ऑफ इस्लाम तो वो लाया ही लाया, और उसके नतीजे में उस कंट्री में 180 डिग्री चेंज आई, लबास में, रस्मुल खत में, बोल चाल में। एक बड़ी जो चेंज आई जिससे प्रॉब्लम पैदा हुई वो क्या थी कि ईरानियन फॉरेन पॉलिसी का ये टॉप का एलिमेंट था दैट एक्सपोर्ट ईरानियन ब्रांड ऑफ इस्लाम, जिसे आप शिया ब्रांड ऑफ इस्लाम कहते हैं। हम थोड़ा लिटरेरी वर्ड ले लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस 1979 से पहले नहीं था, और 1979 के बाद ऑनवर्ड ये पीक पे गया। उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे जो पहली शिया ऑर्गेनाइजेशन बनी पाकिस्तान में, जिसके सरबरा को मार दिया गया था, उसका नाम पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, दैट वाज अ डिमांड। उसका नाम क्या था? तहरीक नफाज फिकाय जाफरिया, दैट इंप्लीमेंट जाफरिया और शिया ब्रांड ऑफ शरिया और इस्लाम। उसको काउंटर करने के लिए फिर सऊदीया, कुवैत, यूएई और एक मुल्क और भी था, ये इकट्ठे हो गए। इन्होंने पर्शियन गल्फ काउंसिल के नाम से कोई एक तंजीम बनाई थी। और फिर उसी तरह जिस तरह किसी भी मुल्क में अमेरिकन और रशियन लड़ते थे कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के जरिए, वही प्रॉक्सी अनफॉर्चुनेटली मिलिटेंट टर्म्स में आज तक लड़ी जा रही है। और उनके पीछे जो लोग हैं, दो पावर्स, वो एक तरफ ईरान होता है, एक तरफ सऊदीया होता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कोई शिया लीडर ईरान सऊदीया में सर उठाता है वो भी खत्म कर देते हैं, कोई अगर बंदा इधर ईरान में इसी तरह सर उठाता है वो भी इलिमिनेट कर दिया जाता है। यमन की लड़ाई इस वक्त आपके सामने है, वो टोटल सेक्टेरियन वॉर है। अब मैंने आपको इस तरफ में क्यों लाया कि लाइक जो भी बड़ी पावर जब जहां जिस मुल्क में जाती है तो वो कुछ अपने मुतालबात भी रखती है। तो देखना ये होगा कि चाइनीज ब्लॉक में जाने के बाद, चाइना से एग्रीमेंट करने के बाद, क्या उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी जो कि फिलहाल बड़ी हॉस्टाइल है उसमें कोई चेंज आती है कि नहीं आती। और डियर एस्पिरेंट्स, अगर ये चेंज आती है, लेट्स होप, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इससे आपकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसमें ये जो एक टेररिज्म ही है इसको कर्टेल करने में बहुत हेल्प मिलेगी।
और अभी तक ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर चाइनीज वहां पर इन्फ्लुएंस ये इस तरह से करते हैं, क्योंकि अगर ये इसी तरह से जंगो जदल जारी रहता है तो ईरान डिस्टेबलाइज रहेगा, और अगर ईरान डिस्टेबलाइज रहता है तो चाइना को ऐसा कोई पार्टनर नहीं चाहिए जो डिस्टेबलाइज। अब आप नक्शे से देखें, पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे ईरान, ईरान से आगे टर्की, टर्की के आगे यूरोप है, एंड दे कैन नॉट लूज दिस रूट, रादर दे वुड नॉट लाइक टू लूज दिस रूट, क्योंकि बहुत बड़ा रूट बनता है। तो देखिए ना, एक सोच होती है ना, एक अप्रोच होती है। अमेरिकन हमसे आज तक कोविड क्राइसिस की बात कर रहे हैं जी, करा अमेरिकन अभी तक हमसे जो काम लेते रहे वो ज्यादा जंग जदल वाला लेते रहे, चाइनीज अब हमसे इकोनॉमिक वॉरफेयर का। सो कोविड क्राइसिस में जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैंने आपके सामने रखी है कि जहां जहां दुनिया रुकी वो तो रुक गई, लेकिन कुछ दुनिया में मेजर हैपनिंग्स भी हुई हैं, और ये बहुत बड़ी हैपनिंग है, दो बड़ी है, इंडिया को स्क्रू टाइट करना चाइना का, और ईरान को, अब ये थर्ड आई आ गई, यानी देयर आर थ्री आईज। ये बुद्धा का फिकरा है, जब उसको को ज्ञान हासिल हुआ तो उसने कहा था आई हैव गॉट माय थर्ड आई ओपन। तो ये तीनों आईज बड़ी क्रिटिकल है, इजराइल, इंडिया, ईरान। अब अगर आप कोविड क्राइसिस के इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं जी, दुनिया की डेवलपमेंट जो ग्रोथ है वो जीरो हो गई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अमेरिकन तारीख के सबसे बड़ा कोई जो 14-15% वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, ये उनके लिए बहुत बड़ा धचका था। बाकी डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमीज तो पहले ही एक एक दो दो प्रोडक्ट्स पे चल रही थी, वो भी जोल्ट में आई है। तो जब ये क्राइसिस, जिसका कि अब इंडिकेटर्स आ गए हैं कि इट्स ओवर नाउ, मसलन इंटरनेशनल एयरलाइंस खुलना शुरू हो गई हैं, इंटरनेशनली कुछ अदारे प्रोटोकॉल्स के साथ उन्होंने कहा है कि जी हम अब ये चीजें ओपन कर रहे हैं, तो इट लुक्स कि जी इट्स गोइंग टू बी ओवर नाउ। और ओवर होने के बाद जो दुनिया की दोबारा इकोनॉमी है, क्या वो पहली पोजीशन में जा पाएगी कि नहीं, ये सवाल अभी तक स्टैंड करता है। कहा यही जा रहा है, जिस तरह बिल क्लिंटन ने बार बार कहा था कि वो पहले वाली बात नहीं हो सकेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, सोशल वे ऑफ लाइफ, वो बदल जाएगा जी। मतलब पहले वाली अगर मेल जोल पहले की तरह मूवमेंट, और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है ये क्राइसिस दुनिया को वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाए, जिस तरह मैं आपसे इस वक्त एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर गुफ्तगू कर रहा हूं। तो कहते हैं हो सकता है जी इसी को प्रमोट कर दिया जाए, यही लोगों का तर्ज जिंदगी बन जाए। एक क्लर्क है से मेरा ही पीए है, कहा यह जा रहा है कि जी फ्यूचर ये होगा कि वो घर में बैठा ऑनलाइन हो जाएगा और वो मुझे, मेरे साथ अवेलेबल होगा, मैं उसे डिक्टेशन दे रहा हूँ, वो लेटर टाइप करके मेरे मेल बॉक्स में कितने पता नहीं जराए हैं वो मुझे भेज देगा। इसमें से कहा यह जा रहा है कि दुनिया की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाएगा, अननेसेसरी मूवमेंट, for the purpose of shopping, for the purpose of business, office work, aur duniya virtual world mein jayegi. What would happen out of this? Isme ek cheez ko benefit bahut bada hoga, ya main phir aapko totally covered ki taraf le aaya hu, ek gaur se suniyega, aur wo hoga ki aapki environment protect hona shuru ho jayegi. कि सुबह के वक्त आपके वो जो एम्प्लाईज, आपका ऑफिस वर्क करने वाले, आप खरीदो फरोख्त करने वाले, जो आप सड़कों पर निकलते थे तो आप इन्वायरमेंट को तबाह कर देते थे। इन्वायरमेंट की जो तबाही है, ये मैंने आपको इन्वायरमेंट के टॉपिक में पढ़ाया था कि ये दुनिया का इतना शदीद मसला था
था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोविड की वजह से वो, मैंने जिस तरह आपसे कहा कि वो 75% रिकवर हो रहा है, तो कहा यह जा रहा था कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस यानी इकोसिस्टम का कोलैप्स करना, इन्वायरमेंट का कोलैप्स करना, इट कैन पुट एन एंड टू द वर्ल्ड। आपको याद है ना, मैंने आपको कहा था कि दुनिया को दो खतरे लाहक हैं, एक के कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, और दूसरा खतरा क्या है जो मतलब मौजूद था और आगे बढ़ रहा था, वो था कि दुनिया का एनवायरमेंट ही कोलैप्स कर जाएगा। अब जो नया वे ऑफ लाइफ जिसके तहत मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जैसा डेवलपिंग कंट्री और उसकी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन अगर इम्तहान लेने पर आ गई है, अब आप जरा इमेजिन कीजिए कि 1 लाख कैंडिडेट है, 1 लाख कैंडिडेट सड़कों पर आने की बजाय घर से बैठा ऑनलाइन वो एग्जाम दे रहा है। यूनिवर्सिटियों के अंदर अगर 40,000 मुलाजम है तो कहते हैं जी 4,000 आएगा, बाकी ऑनलाइन जहां पर बैठा है वहीं पर काम कर रहा होगा। तो ये मैंने जो आपसे कह लेंगे सबसे वैल्यूड आर्ग्यूमेंट अभी तक रोक के रखा था वो ये था कि जी और कुछ होता है या नहीं होता, ये स्पीड स्लो होने से, स्टाइल बदलने से कुछ इंडस्ट्रीज कहते हैं जी कोलैप्स ही कर जाएंगी, कुछ पेशे मिसाल के तौर पर टूरिज्म है वो कहते हैं जी हो सकता है पहले वाली बात ना रहे, एयर ट्रांसपोर्ट है, जनरल ट्रांसपोर्ट है, लेकिन वो कहते हैं जी ठीक है अगर 4-5 पेशे 100 पेशों में से एवरेज कह रहा हूं अगर नहीं एग्जिस्ट करेंगे और उसके नतीजे में पूरी दुनिया की हवा की क्वालिटी बदलती है, पानी की क्वालिटी बदलती है, स्मॉग से जान छूटती है, और जो एसिड रेन्स जो आ रही थी अगर उनसे जान छूटती है तो कहते हैं जी ये सौदा महंगा नहीं होगा। अब ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूं इसके क्लियर होने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 2 माह के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि जिंदगी किस मामूल के तहत, किन एसओपी जिन्हें आप स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स कहते हैं, क्या वो अलाउ करते हैं और क्या नहीं करते, और जिसमें एक बात तो अभी तक क्लियर है कि बड़ी गैदरिंग्स जो हैं वो आपकी वो अलाउ नहीं कर रहे। आप यकीनन क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे, हाँ जी ये स्लो तो करेगा, तो वो यही कुछ कहते हैं, वो कहते हैं जी इंसान जो है ना इसने जिंदगी को एक रेस बना दिया था, एक जंग की कैफियत थी, तो ये रेस को हमने एक वॉक में बदला है। वो कहते हैं वो जिस तरह देहात का कल्चर होता था उनको दर्द एक ही थी, पैसा वो कमा रहे थे आपकी भाग दौड़ में से, सारा कुछ कमा रहे थे, वो कहते थे जी इन्वायरमेंट कोलैप्स कर रहा था, आप स्मॉग की जो प्रॉब्लम है उसको इजी ना लें, वो एक तरह की डेथ थी, और ये हालात 5-10 साल इसी तरह बढ़ जाते तो ये इलाके वाइप आउट हो जाने थे। हाँ एक चीज बहरहाल अभी तक है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के मुतल्लिक कोई मेजर इंडिकेटर तो नहीं दिया, लेकिन वो जो पॉपुलेशन मैंने आपको पढ़ाया था ना, एक क्वांटिटेटिव बढ़ती है एक क्वालिटेटिव बढ़ती है, तो वो जो क्वालिटेटिव जो वो उनका बर्डन होता था, जो इंसान धुएं की शक्ल में, फ्यूल बर्न करने की शक्ल में, गार्बेज पैदा करने की शक्ल में, अपनी ट्रांसपोर्ट की शक्ल में करता था, उसको उन्होंने बहरहाल जरूर रोक दिया है। सो कहा ये जिस तरह आप कहते हैं ना BC, यानी जब आप हवाला देते हैं कि हजरत ईसा से पहले, तो अब दुनिया बिफोर कोविड BC, यानी एक नया BC आ गया है। अब जब भी BC लिखा जाएगा तो बिफोर कोविड, और PC कहते हैं नया जो बनेगा वो पोस्ट कोविड बनेगा, कि पोस्ट कोविड दुनिया किस तरह की होगी। बाकी जो मैंने था कि ये मैन मेड था कि नेचुरल था, उसके हमने तमाम पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर ली हैं, और ये आज का आपका आखिरी लेक्चर था जी, लेकिन आप लिखते रहें, और अब आप लोग थोड़ा रिलैक्स भी होंगे तो कोशिश कीजिए कि एक लेक्चर को एक नहीं दो दफा सुनिए, क्योंकि सारे का सारा एक दफा याद या मेमोराइज या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता, फिर उसके बाद थोड़ा गौर किया करें,
एक आउटलाइन बनाया करें, पॉइंट्स बनाया करें, फिर उसके बाद लिखा करें, लिखने के बाद फिर अपने ही लिखे को रीराइट किया करें, और यानी उस पर खुद से दिखा करें कि मैं कौन सी चेंज इसमें ला सकता हूं, फिर वो मुझे भेजा करें। बहुत उजलत और तेजी के अंदर ना लिखे। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये एकेडमी की तरफ से है कि आप लोगों ने हमारे साथ ये सेशन अटेंड किया, आप अपने अल्फाज में अपनी तस्वीर के साथ अपने कमेंट्स जो हैं वो जो भी आपको डील करते हैं, ये हसनैन साहब है या जमशेद साहब है, वो जरूर भेज दीजिएगा और ऑनेस्ट टू गॉड कमेंट्स कीजिएगा। और हमारा आपसे वादा है कि आप जो भी आपका कमेंट होगा, चूंकि हमने अपने तौर पे आपके साथ बड़ी मेहनत की है, बड़ी सरखपाई की है, तो ताकि उसको ये एकेडमी वाले जो हैं वो अपने पेज के ऊपर शेयर कर सकें कि आपके क्या व्यूज हैं। तो इसके बाद हमारा एक जो सिलसिला शुरू होगा वो ग्रामर और कंपोजिशन का है। तो अगर आप हमसे कोई सेटिस्फाई हैं तो आप उसको, उसमें ये होगा कि वो जो चंद एक ईडियम्स मैंने आपको पढ़ाए थे वो एक्सपेंड करके पढ़ाऊंगा, एक वर्ड से आइडिया देके कि यानी कौन सा वर्ड आपने के सामने आता है तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या मीनिंग है, कौन सी वो गलतियां हैं जो कि बहुत ज्यादा लोग कर जाते हैं उस पर, कौन से ट्रिकी स्पेलिंग्स हैं जिनके गलत होने का चांस होता है, और कौन सी वो वोकैबुलरी है कि जिसके कोई 200 वर्ड्स वो बनते हैं। अब आप पढ़ना चाहें तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जाहिर है जब टीचर आपको करता है तो वो उस लफ्ज को ना बताता है कि इसकी बेस पे जाइए, इसके अगले वर्ड को देखिए, पहले को देखिए। आप अगर चाहें तो मैं आपको स्पेशल एक अलाउंस दे दूंगा कि आप उसकी एक क्लास एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं। अपना मोमेंटम, अपनी वर्थ, अपना मोरल हाई रखिए। मैंने जिंदगी में यही सीखा है कि एम हाई, वेदर अचीव्ड और नॉट मेक्स द लाइफ ग्रेट। पढ़ने की एक हैबिट अपनाइए, पढ़ने को फटीग ना समझिए। आप आपस में दो लोग हैं घर में, बहन भाई हैं, जो भी पढ़ा है उसके साथ डिस्कस कीजिए, ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उससे उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाता है। बाकी मैंने आपको या हमने एकेडमी वालों ने मिलके जो सीएसएस का सबसे मुश्किल हिस्सा था, हमने उसका रिस्क लिया, आपको इंट्रोडक्शन सिखाया, आपको थीसिस स्टेटमेंट का सिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि बातें दो हैं, कल भी यहां पे सेमिनार था, एक होता है मैजिकल कि मैं यहाँ पे कह दूंगा आप जो भी लिख के भेजे, मैं कहूँ जी वाह 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 कमाल है यार, आपने बहुत अच्छा लिखा है यार, ये भी किया, तो वो हमने यहाँ पे क्विकरी नहीं की है, जो जिसकी गलती होती थी तो वो उसको हम भेजते रहे हैं, उसको रीराइट करने को कहते रहे हैं। असल तरीका यही है, और ये बात मेरी याद रखिएगा, अगर आप ऐसे को ग्रिप कर गए तो आपके सीएसएस में क्वालिफाई करने के 90% चांसेस है। बाकी अब जितना आपने पढ़ा है इसका एक चार्ट बना लें अपने कमरे में, एक दीवार पे दो बना लें, तीन चार लगा लें, उस पर मिलते जुलते टॉपिक्स को लिखें। मसलन हमने एजुकेशन पढ़ा, एजुकेशन का जिक्र एजुकेशन के ऐसे में भी आएगा, एजुकेशन का जिक्र इकोनॉमी में भी आएगा, एजुकेशन का जिक्र उठ के फेमिनिज्म में भी चला। तो ये बात आपने अब इतना स्मार्ट हो जाना है। फिर वो जो हिस्ट्री वाला एक मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री में से जाके उसे पकड़ना, एक आध दिन की ब्रेक ले, सांस ले, रिलैक्स हो, वैसे तो कोशिश करें कि एफर्ट करते रहे। तो फिर अच्छा यार, वो अहले यूनान का दौर, मुसलमानों का दौर, यूरोपियन का दौर, सर हम आपको ऐसे लिखकर सेंड कर सकते हैं? हाँ श्योर श्योर, ये और किस पे, किस ग्रुप पे, और टीचर आप पूरा साल भेजते रहे तो आपको उसका फीडबैक आएगा, लेकिन उजलत में नहीं, थोड़ा आप ना खुद भी मैच्योर हो जाएं, आपके अंदर के राइटर को जगाया है मैंने, तो थोड़ी मैच्योर एफर्ट करके वो फिर मुझे भेजे, और कोशिश करें वो फेसबुक पे भेजा करें, क्योंकि उसमें खुल के मेरे सामने कंप्यूटर पे आ जाता है तो मैं उसको
अच्छे तरीके से बिल्ड फेसबुक में कौन सा वाला, आपकी तो काफी आईडीज हैं। तो जो मेरा पेज है डॉक्टर मुनव्वर साबर वाले पे, उस पे आप भेज सकते हैं। बाकी फिर इसमें अब आपने जो डेमोक्रेसी में पढ़ा वो कोई सोशल कल्चरल चेंज पर भी आ सकता है। डेमोक्रेसी का इकोनॉमी से तल्लक है, ये भी लिंक हमने साबित किया है। करप्शन का लिंक इकोनॉमी के साथ भी है, करप्शन का लिंक आपकी डेमोक्रेसी के साथ भी है, करप्शन का लिंक आपके टेररिज्म के फैक्टर के साथ भी है। तो वो पॉइंट्स लिख के ना अपने सामने, ये मैं आपको टोटका बताने लगा हूं, वो बना के दीवार पे लगा लें, सो दैट कि जब आप सुबह उठें तो वो आपके सामने हो, आप उसे देखें, गौर करें, चलते फिरते उनको मेमोराइज करें, एक बात वो है, दूसरी वो है, तीसरी वो है, चौथी वो है, पांचवी वो है, छठी वो है। तो ये आप एक महीना को इस, वो जिस तरह हमने कहा था ना फॉग ऑफ वॉर, तो फॉग ऑफ एकेडेमिक्स में गुजारें, एकेडेमिक फॉग में, आगे उसके देखें ही ना, बस उसी धुंध के अंदर इन्हीं चीजों को देखें, तो इंशाल्लाह ऐसे आपका नहीं जाएगा। बाकी जहां कहीं दिक्कत आती है, एक उर्दू का आर्टिकल पकड़े, उसे ट्रांसलेट करें। एक खुद लिखा है उस लिखे हुए को बाद में बदलें। रियलिटी रियलिटी आप लिख रहे हैं तो कोशिश करें रियलिटी का कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड देखें, मैं इसे कोई बेहतर वर्ड लिखूं, कोई और चीज लिखूं, तो खुद से उसको इंप्रूव करें। फिर पूरा स्ट्रक्चर ऐसे का, कल किसी ने सवाल पूछा था तो मैं थोड़ा अजीब लगा मुझे कि मैंने शुरू में कहा था आपने ऐसे कैसे लिखना है, उसका एक बैकग्राउंड है, अब आपसे सारा कुछ, माजी है, मौजूदा सूरत हाल है, एक उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, ये बात जहन में रखें। जब आप तीनों पर्सपेक्टिव क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका मसला हल हो जाता है, चाहे आप 500 लफ्ज लिखें या 5000 लफ्ज लिखें। और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, सुबह उठें, अखबार पढ़ें, कोई एक बंदा है आपने जिस टॉपिक को बड़ा अच्छा याद किया फिर उसका लिखा हुआ पढ़ें, अच्छा मेरे जहन में तो ये आता है इंट्रो, ये भला इंट्रो कैसे लिखता है, इंट्रो लिखना, फिर उसके अंदर उसका थोड़ा बेसिक फैक्ट्स बताना, उसको कंपेयर करना, उसको एग्जेम्प्लीफाई करना, उसके अंदर अब कुछ व्यूज डालना, व्यूज आपने ये नहीं कभी भी कहना कि आई थिंक सो, आई एम ऑफ द ओपिनियन, मोस्ट ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर ऑफ द ओपिनियन, बस ब्लेम किसी पर डाल के। तो एंड पे फिर किसी ने पूछा जी कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, अब जब ये बंदा कहता है ये कंक्लूजन कैसे लिखते हैं तो यहीं से पता चल जाता है कि ये बंदा अभी लिख नहीं रहा। अब जब बात करते हैं ना तो डॉक्टर की इनको पता चल जाता है भाई जो आप कुछ इंट्रो में अभी मुतारफ करवा रहे थे कंक्लूजन में जाके उन चीजों को कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूजन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, और होप कि आपसे फिर भी ये अगली जो क्लास है, एक्सक्यूज मी सर, जी 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 प्लीज प्लीज सर, एक तो मुझे ये पूछना था कि क्या हम इसको वर्ड फॉर्मेट में लिख के भेज सकते हैं आपको ऐसे। अच्छा, उसमें जब आप भेजे ना तो ज्यादा अच्छी बात है, मुझे चेक करने में भी आसानी होगी, लेकिन आपने स्पेल चेक को ऑफ कर देना है ताकि अगर आपकी वो स्पेलिंग की गलती होती है तो वो गलती ही की शक्ल में मेरे पास आए, मैं उसको गलत कोई चेक करूं, वो ना आगे ऊपर से वो चल रही हो ऑटो चेक और आप स्पेलिंग भी ठीक कर रहे हो और फिक्रे भी ठीक कर रहे हो। जी सर, एक बात मैंने जी जी सर, मुझे पॉलिटिकल साइंस का चाहिए थी गाइडलाइन, तो आप ने पॉलिटिकल साइंस की कोई क्लास पढ़ानी है? नहीं, मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाता जी, मैं आपसे गलत बात करूं, मैं आईआर करंट अफेयर इसके कुछ टॉपिक्स पढ़ाता हूं। पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमफिल जरूर किया था लेकिन वो हमारा जो सिलेबस जितना हमने किया वो करंट अफेयर और आईआर से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस नहीं, मैंने एमए नहीं किया हुआ उसमें। वो वही पढ़ा सकता है जिसने एमए में वो ईस्टर्न थॉट वेस्टर्न थॉट पढ़ी हो। वैसे कोशिश करें, मेरी आपको एडवाइस है कि आईआर ही रखें, पॉलिटिकल साइंस ना रखें, अंटिल अनलेस से आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी ना, क्योंकि वो मुश्किल काम है। उसमें वो जो है ना, सुकरात ने क्या कहा, अरस्तु ने क्या कहा, उसके व्यूज जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो दो पैरे आप पढ़ के थक जाते हैं तो तीसरा पैरा कहता है पहले जो दो पैरे हैं वो उसके बारे में मशहूर नहीं, वहां पे बंदा हिल जाता है। फिलोसफी है ना, हाँ आपने अगर फिलोसफी पढ़ी हुई है पॉलिटिकल साइंस में, कोई एमए बीए में पढ़ा हुआ है तो फिर ठीक। हाँ, क्रेमिंग है जी। ले जी, अब आपने अपने व्यूज जो हैं
वो ये सनैन साहब या जमशेद साहब को आप जरूर भेजने हैं ताकि वो हम बताएं कि जी ये इतने लोग थे, इन्होंने हमारे साथ पढ़ा। तो ये था, थैंक यू वेरी मच, जीते रहिए, खुश रहिए।